नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे लहंगे की कटिंग करना। दोस्तों लहंगे की कटिंग करने की पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों चलते हैं और लहंगे कटिंग करना सीखते हैं। हाँ, तो आपको इस तरह से कपड़ा लेना है दोस्तों, ये देख लीजिए। इस तरह से हमने डबल फोल्ड में कपड़ा ले लिया दोस्तों, 3 मीटर कपड़ा दोस्तों, ये देख लीजिए 3 मीटर कपड़ा लिया है। और जो कपड़े का सीधा है वो अंदर रखना है और उल्टा है वो आपको बाहर रखना है, ठीक है। इस तरह से डबल फोल्ड में कर लेना है। डबल फोल्ड में करने के बाद अब क्या करेंगे, जो बंद वाला मुँह है ये देख लीजिए, इधर वाला, इस तरफ से इसमें शेप देना है आपको, एक कोने से पकड़ना है और इस तरह से ये देख लीजिए, ये शेप दे देना आपको। चारों तरफ से इसको सेट कर लेना है, कहीं चूना प्लेट ध्यान न रहे, जिससे क्या है कि लहंगे कटिंग करने के बाद लहंगा छोटा बड़ा हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चारों तरफ से सेट कर लेना है, ठीक है, इस तरह से सेट करने के बाद अब इसमें निशान लगाएंगे। तो जो कमर है, सबसे पहले कमर का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों इसकी जो नाप है वो एक बार देख लेते हैं, यानी 41 इसकी लंबाई है, 36 कमर है, ठीक है, इस तरह से नाप है दोस्तों, ये देख लीजिए। तो इसमें हमें कमर में एक्स्ट्रा लूजिंग ले लिया है दोस्तों इसमें, ठीक है, पूरी तैयार नाप है ये। तो 36 कमर रखना है, 41 लंबाई रखना है। तो ये देख लीजिए, इस तरह से हमने नाप लिया है यहाँ से, और इसके बाद में इसमें गोलाई देंगे, ये देख लीजिए। नाप का आपको चौथा हिस्सा लेना है कमर में, यानी 36 का चौथा हिस्सा होगा 9, तो 9 इंच आपको लेना है और गोलाई इस तरह से बैठाना है, यानी कोने से इंच टेप को रखते हुए चारों तरफ इस तरह से निशान लगा लेना है, ठीक है। अब इस निशान को उठा लेंगे हम, ये देख लीजिए। अब इसको नापेंगे फिर से, यानी 9 पर आना चाहिए, ये देख लीजिए 9 पर आ गया है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, लंबाई नापेंगे। लंबाई यहाँ से 1 इंच निकाल देंगे नेफे के लिए, और उसके बाद में 41 से लंबाई लेंगे, यानी आधा इंच नीचे बढ़ाते लेंगे, बुकर वगैरह लगाएंगे इसमें, तो 41.5 हम निशान लगा लेना है, ये देख लीजिए, ये हमने लगा लिया है 41.5। तो इसको भी हम क्या करेंगे, इसी तरह निशान लगाते जाएंगे गोलाई में, इंच टेप को आगे हल्का सी खिसकाते जाएंगे और निशान लगाते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमने सारे निशान लगा लेना है। ये देख लीजिए, इस तरह से हमने निशान लगा लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस निशान को भी हम उठा लेंगे चौक से, गहरा निशान उठा लेंगे, जिससे क्या कटिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इस तरह से ये निशान उठा लेना है, ठीक है। निशान उठाने के बाद ये देख लीजिए, इस तरह से यहाँ गोलाई आई है और यहाँ पर गोलाई आई है, ठीक है। अब यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कटिंग करते हैं, ये देख लीजिए जहाँ निशान है उसी के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो दोस्तों हम ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं, हम समझाने में कोई जल्दबाजी नहीं करते, हम आराम से समझाते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज। ये देख लीजिए जहाँ निशान लगाया हमने वहाँ से कटिंग कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पर जॉइंट आएगा दिख रहा है, तो हमने जो कटिंग की है इसी में से हम जॉइंट निकालेंगे, ठीक है, ये देख लीजिए।
लाइन से लाइन बिठाना है दोस्तों, तो उसी हिसाब से कपड़े को लेना है। ठीक है, इस तरह से इसके नीचे रखेंगे जॉइंट को, यानी आधा इंच दबाते हुए लेना है, आधा इंच अंदर देते हुए लेना है, आधा इंच इसको ऊपर वाले को बाहर निकालते हुए लेना है, यानी 1 इंच का दबाव लेके चलना है आपको। ठीक है, जब सिलाई लगाने के बाद आधा आधा इंच दोनों तरफ दब जाएगी, यानी आधा इंच पौने इंच के आसपास दब जाएगा मार्जिन, तो आपको लेना लेके चलना है। ठीक है, इसके बाद में कटिंग कर लेना आपको। ये देख लीजिए, इस तरह से हमने कटिंग कर लिया लहंगे की। ठीक है, लहंगे की कटिंग कर लिया दोस्तों, ये देख लीजिए, ये जॉन्ट है और ये यहाँ पर इस तरह से लगेंगे। ठीक है, और नीचे इसमें बुकरम लगाएंगे, ऊपर नेपर है तो ऊपर नेपर लगेगा, साइड में चेन भी लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ये देख लीजिए, लहंगे की इस तरह से गोलाई है और अंदर से सीधा है, बाहर हमने उल्टा करके कटिंग की है। ठीक है, और इस तरह से ये जॉइंट लगेगा दोस्तों, ये देख लीजिए, इस तरह से जॉइंट लगने के बाद ये गोला जाइए लेंगे की। अब क्या करेंगे, नेफे की कटिंग कर लेंगे दोस्तों, इसको रखते हैं। तो नेफे की कटिंग हम लेंगे 5 इंच की चौड़ाई लेंगे दोस्तों। ठीक है, और लंबाई आपको 36 लेना ही है, तो ये देख लीजिए 5 इंच की चौड़ाई हमने ले लिया है। ठीक है, उसके बाद निशान उठाएंगे सीधा स्केल से और आप कर लेंगे कटिंग। इस तरह से कटिंग कर लेना आपको। ठीक है, सफाई के साथ। तो दोस्तों इस तरह से हम ये देख लीजिए कपड़े का जो सीधा बंद आप अंदर रखना है, इस तरह से हमने नेफे की भी कटिंग कर ली है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।